नमः शिवा। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। अगर भगवान शंकर की पूजा सोमवार के दिन करें तो ये शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शंकर के लिए बहुत खास माना जाता है। इस बार की प्रदोष सोमवार के दिन यानी 3 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन विधिवत पूजा पाठ करने से आपको शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ भी इस दिन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का निधन हो गया था और उसका एक पुत्र था, लेकिन आमदनी के लिए कोई सहारा नहीं था। रोज सुबह वह अपनी बेटी के साथ भीख मांगने निकलती थी, तभी वो अपना और बेटे का पेट भर पाती थी। एक दिन ब्राह्मणी लौट रही थी कि रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में उसे दिखा। उसकी दशा बहुत खराब थी, इस वजह से ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बना लिया। राज्य पर नियंत्रण करने के कारण राजकुमार मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण महिला और उसके पुत्र के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता के साथ राजकुमार से मिलने आई। उन्होंने राजकुमार को पसंद किया और कुछ महीने के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान का सपना आया, जिसमें उन्हें आदेश मिला कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दो, और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी और भगवान शंकर की भक्त थी। प्रदोष के प्रभाव से राजकुमार ने अपना राज्य शत्रुओं से वापस ले लिया। इसके बाद राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसी मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर के भक्तों के दिन प्रदोष का व्रत करने से बदलते हैं। 3 अप्रैल की सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर की प्रतिमा के सामने अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें और शाम को भगवान शंकर की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शंकर को भोग लगाएं, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुनें, शिव चालीसा करें और अंत में शिव आरती गाएं। धार्मिक मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो प्रदोष के दिन भगवान शंकर की सच्चे मन से पूजा करने से वे सभी मनसा पूरी होती है। हर महीने में 2 त्रयोदशी पड़ती है, पहली कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस समय चैत्र माह चल रहा है और इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को रखा जा रहा है। सोमवार को होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस दिन त्रयोदशी तिथि सुबह 6:25 से लग रही है। सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों पर बड़े प्रसन्न होते हैं।
इन पर भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। इतना ही नहीं, सोम प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। सोम प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस समय में जो भी भक्त सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करते हैं उनको भोलेनाथ मन चाहा वरदान देते हैं। सोम प्रदोष का महत्व क्या है? त्रयोदशी तिथि आरंभ 3 अप्रैल सोमवार प्रातः 6:25 से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 4 अप्रैल मंगलवार प्रातः 8:06 से होगा। सोम प्रदोष पूजा मुहूर्त 3 अप्रैल सायं 5:55 से सायं 7:30 तक। सोम प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी शाम का समय शुभ माना जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय पुनः स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। चांदी, तांबे के लोटे से शुद्ध शहद 1 धारा के रूप में शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से 108 बार ओम सर्व सिद्ध प्रदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करना चाहिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक पूजन और आरती करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। सोम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूरे दिन उपवास करते हैं उन्हें स्वास्थ्य, धन समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जो लोग विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं उन्हें सोम प्रदोष से राहत मिलती है। इन्हें भगवान शिव की कृपा के साथ साथ दिन के संबंधित ग्रह से भी लाभ मिलता है। कुछ महिला भक्त सुयोग्य वर या संतान की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।